बिग बॉस OTT 3, क्यों निकले वड़ा पाव गर्ल के आंसू, फूट फूट कर रोई चंद्रिका। चंद्रिका ने घर वालों से पूछा अपना गुनाह। हाँ दोस्तों, वड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका दीक्षित का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह किचन एरिया में खड़े होकर फूट फूट कर रोती नजर आई है। चंद्रिका का यह वीडियो देखने के बाद यूजर्स इन तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं और कुछ तो उन्हें उनकी रोने की वजह को ट्रोल करने लगे हैं। बिग बॉस OTT के इस सीजन यानी सीजन 3 की इन दोनों हर तरफ चर्चा हो रही है। शो में ऐसे कई कंटेस्टेंट पहुंचे हैं जिन्हें देखकर दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह गई है। फिर चाहे वो दो बीबी वाले अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियां पायल और कृतिका मलिक हो या फिर दिल्ली की सड़कों पर वड़ा पाव बेचकर मशहूर होने वाली चंद्रिका दीक्षित, शो के कंटेस्टेंट के नामों पे पहले ही दर्शकों को हैरान में डाल दिया है। क्यों रोई चंद्रिका दीक्षित? शो से वड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका दीक्षित का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है जिसमें वो फूट फूट कर रोती हुई नजर आई। दूसरी तरफ घर की दूसरी महिला कंटेस्टेंट उन्हें सपोर्ट देती नजर आ रही है। चंद्रिका को रोते देख सना मकबूल से लेकर कृतिका मलिक तक उन्हें चुप कराने की कोशिश करने के लिए देखते हैं। दूसरी तरफ किचन एरिया में चंद्रिका लगातार आंसू बहा रही है। वीडियो सामने आने के बाद लोग अब इस पर क्वेश्चन करने लगे है। दरअसल चंद्रिका की नाराजगी की वजह यह है कि उन्हें घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। उस हफ्ते घर में नॉमिनेट होने के लिए 6 कंटेस्टेंट नॉमिनेट है। चंद्रिका के साथ मुनीष खटवानी, पोल मिदास जिसे कंटेस्टेंट में घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड है, लेकिन चंद्रिका को नॉमिनेशन में उनका नाम आना पसंद नहीं है। नॉमिनेशन के चलते चंद्रिका परेशान दिखती है। वह किचन एरिया में होती है तभी कृतिका उनसे पूछती है कि इतनी परेशान क्यों हो। चंद्रिका कहती है कुछ नहीं। शिवानी और कृतिका कहती है कोई बात तो ज़रूर है। इस पर चंद्रिका फूट फूट रोती है और बोलती है 4 दिन हो गए हैं सुनते सुनते कि रोटी बना रही है, क्यों कुछ गुनाह कर दिया है रोटी बनाकर। ये बोलते ही चंद्रिका रोने लगती है। इस पर सना मकबूल उन्हें चुप कराने की कोशिश करते नजर आती है। सना के पास आते ही चंद्रिका कहती है नहीं यार ये गलत बात है। तो कृतिका बोलती है आपको पता है ना पुण्य मिलता है खाना खिलाने से, ऐसे मत रो। इस पर चंद्रिका कहती है विशाल कहता है कि आप किसी से लड़ाई नहीं हो और हमको कोई और रीज़न नहीं मिलता, मतलब कि हम बिना मतलब लड़ें। तो वीडियो कैसा लगा शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।